वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो नीट लीक को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही, बड़ी अपडेट सामने आ रही, नीट कैंसिल होगा या नहीं होगा। सो स्टूडेंट, नीट जो है 101% जो है कैंसिल होगा, कोई भी चांसेस नहीं है, 1% भी चांसेस नहीं है कि नीट कैंसिल नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर जो है अपने जो सबूत हैं वो कम्प्लीट, जो सबूत हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, उसके साथ साथ जितनी भी FIR हैं और उसके साथ साथ जितने भी प्रूफ हैं वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी हो चुकी है, वो कम्प्लीटली अरेंज किए जा चुके हैं एक फाइल में। कम्प्लीट जो प्रूफ है वो अभी रेडी हो चुका है, स्टूडेंट्स ने और उनकी टीम ने जो है कम्प्लीट प्रूफ को रेडी कर लिया है। उसके साथ साथ जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और जो केस है उसकी जो सुनवाई है इसी वीक में होने वाली है, इसी वीक में खुलासा हो जाएगा। देखते हैं क्या रहता है सुनवाई में। बट स्टूडेंट्स, पेपर जो है 101% जो है कैंसिल होने वाला है, बिकॉज एक सिंगल स्टूडेंट के लिए नहीं, एक काफी लार्ज लेवल पे पेपर को लीक किया गया था, तो कोई भी चांस नहीं है कि नीट को दोबारा जो है कंडक्ट ना कराया जाए। ये जो सरकार ये तो नहीं कराने वाली है, ना ही NTA कराने वाला है। बट यहां पर जब केस होगा, सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट जरूर ही अच्छा फैसला जो है सुनाने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि CBI भी यहां पर जांच चलने वाली है, उसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि यहां पर NTA जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था, जो कि BJP गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एंड जब से NTA को जो है स्टार्ट किया गया है, उसके बाद जो है तुरंत जो NTA जितने भी पेपर कराता है हर साल जो है पेपर लीक हमें देखने के लिए मिलता है। एंड NTA जो है साफ मना कर देता है कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। NTA एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड यहाँ पर जो है BJP सरकार ने सिर्फ पैसे खाने के लिए NTA को स्टार्ट किया था, तो ऑफ कोर्स ये लोग नहीं चाहते हैं कि नीट को दोबारा से जो है कंडक्ट कराया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि आंसर की को 2 दिन के अंदर अंदर रिलीज़ किया जाएगा। आंसर की को जब रिलीज़ किया जाएगा तो ऑफ कोर्स जिन कैंडिडेट्स के इन्होंने पैसे खाए हैं उनको जो है पूरे मार्क्स दिलाए होंगे, जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स अच्छे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनकी रैंक नीचे चली जाएगी। और ये जो लोग हैं जिन्होंने पैसे 35-35, 30-30 लाख रुपये खाकर कैंडिडेट्स के पेपर कराए हैं, उनके कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कल मोदी जी लाइव आए थे एंड लाइव में भी उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कि पेपर जो है एक स्टूडेंट के लिए लीक नहीं हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए लीक हुआ है एंड करोड़ों का लेन देन हुआ है, तो इस वजह से जो है मोदी सरकार भी कुछ भी नहीं बोलेगी। अभी सब जो है चुप रहने वाले हैं ताकि जल्दी से जल्द इस बात को दबाया जा चुके। NTA के डायरेक्टर का भी इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि सिर्फ सिंगल स्टूडेंट के लिए लीक हुआ, अगर सिर्फ सिंगल स्टूडेंट के लिए लीक हुआ तो राजस्थान, सीकर, हरियाणा साथ साथ काफ़ी जगह पर कैसे चीटिंग हमें देखने के लिए मिली। तो अगर सिंगल स्टूडेंट के लिए लीक होता तो कभी भी इतना ज़्यादा पेपर नहीं होता। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि जो पेपर लीक है, जब से NTA आया है पेपर लीक हर साल होते हैं, बट इस बार ही अच्छे से जाके खुलासा हुआ है। हर साल किसी ना किसी सेंटर पर जो है पेपर लीक हमें देखने के लिए मिलता है, बट यही है कि कभी पता नहीं लगता है और कभी जो है ज़्यादा लार्ज स्केल पर ना हो तो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हर बार JEE के पेपर में, उसके साथ साथ नीट के में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आवाज़ उठाएं। ऑलमोस्ट जो है 17 लाख स्टूडेंट्स जब पेपर दे रहे थे, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर अगर आप लोग ट्वीट करना चाहेंगे तो डबल, ऑलमोस्ट आप लोग जो है डबल ट्वीट कर सकते हैं। आप लोगों के घर में ऑलमोस्ट 2 फ़ोन तो होंगे, तो आप लोग अगर ट्वीट करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 35 लाख के अराउंड ट्वीट हो जाएंगे। एंड इतनी ज़्यादा ट्वीट होंगे तो 101% जो एक केस है कंसीडरेशन में लेना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर तो जरूर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।